हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, जब से 17 अपडेट रिलीज़ हुआ है तब से आज तक हर एक यूज़र को एक ही इशू देखने को मिल रहा है कि वो है बैटरी ड्रेन का इशू। बैटरी जो है वो काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज़ हो रही है, ड्रेन हो रही है, अच्छा बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके बैटरी बैकअप को इंक्रीज़ करने वाली हैं। सो मेक श्योर रखें कि इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आप सभी बढ़िया बैटरी बैकअप निकाल सकें अपने आईफोन से i17 के इस नए अपडेट के ऊपर। सो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको बैटरी के सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ चार्जिंग पे टैप करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, तो आपको यहाँ से ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को यहाँ से इनेबल कर देना है। ये जो ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी बैटरी को चार्ज करता है और बढ़िया आपको बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मेक श्योर रखेंगे आपके केस में ये ऑप्शन जो है वो ऑन होनी चाहिए ताकि आपके जो आईफोन की बैटरी है वो बढ़िया तरीके से चार्ज हो सके। सेकेंडली यहाँ पर बात आती है नोटिफिकेशंस की। जितनी नोटिफिकेशंस आपके डिवाइस में रिसीव होती रहेंगी उतना ही आपको यहाँ पर आपका जो डिवाइस है वो वेक होता रहेगा। इसलिए आपको यहाँ से नोटिफिकेशंस के ऊपर टैप करना है, उन एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को आपको यहाँ से ऑफ करना है जो आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम की, ये जो एप्लीकेशन मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ डे टू डे रूटीन में, और आपको यहाँ से इसको यहाँ से ऑफ़ कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम की इस नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर रखा है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस को भी ऑफ़ कर रखा है। तो इसी तरह से आपको उन एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस को यहाँ से ऑफ़ करना है जो आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। थर्ड नंबर पे बात आती है यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज की। जो एप्लीकेशंस आपकी लोकेशंस को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं, यानी कि जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उन एप्लीकेशंस की लोकेशन को आपको यहाँ से ऑफ़ करना है लोकेशन सर्विसेज के ऊपर टैप करके। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंस्टाग्राम को मैं यूज़ करता हूँ डे टू डे रूटीन में, इसीलिए मैंने इसकी लोकेशन को नेवर के ऊपर सेट कर रखा है ताकि मैं जब भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करूँ तो मेरा जो डिवाइस है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन की लोकेशन को ऑन ना करे। उसके बाद बात आती है यहाँ पर वाइब्रेशन और हैप्टिक्स के बारे में। जितने ज़्यादा हैप्टिक्स आप अपने डिवाइस के ऊपर यूज़ करोगे उतने ही जल्दी आपकी बैटरी ड्रॉप होने वाली है, इसलिए आपको यहाँ पर हैप्टिक्स के ऊपर टैप करना है। इसको नेवर प्ले के ऊपर सेट करना है रिंगटोन्स में, ताकि रिंगटोन्स में आपको यहाँ पर हैप्टिक का इफेक्ट देखने को मिलता है इस नए अपडेट में। तो वो जो हैप्टिक का इफेक्ट है जब प्ले नहीं होगा आपके डिवाइस में तो वो जो है बढ़िया बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करेगा आपका डिवाइस। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कीबोर्ड में हैप्टिक्स को यूज़ करते हो तो वो मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड में हैप्टिक्स जो है वो बढ़िया तो लगते हैं, वाइब्रेशन तो प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैटरी भी वही ड्रेन करते हैं, इसलिए आपको कीबोर्ड्स में हैप्टिक्स को कभी भी यूज़ नहीं करना है। अगली जो सेटिंग होने वाली है वो यहाँ पर आईफोन में एनालिटिक्स डेटा के रिलेटेड होने वाली है, जो कि आपका जो डिवाइस है वो एप्पल को आपका डेटा सेंड करता रहता है। तो यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ बैटरी जो है वो यूज़ करता रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर एनालिटिक्स इंप्रूवमेंट के ऊपर टैप करके यहाँ पर आपको शेयर आईफोन एनालिटिक्स को यहाँ से ऑफ़ कर देना है। जैसे इसको ऑफ़ करोगे अब आपका कोई भी डेटा जो है वो एप्पल को शेयर नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है स्टैंड बाई मोड के बारे में। स्टैंड बाई मोड जो है वो एप्पल ने i17 के अपडेट में इंट्रोड्यूस किया है। बेशक कि ये जो अपडेट है काफ़ी बड़े बड़े फीचर्स लेकर आया है, बट ये जो फीचर्स हैं आपकी बैटरी को भी ड्रेन करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर स्टैंड बाई मोड को ऑफ़ करना है। अगर आपको इसे यूज़ करना है तभी आपको इसे ऑन करना चाहिए, वरना आपको इसे ऑफ़ के ऊपर ही सेट करके रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपकी बैटरी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती रहती हैं और इनको आपको जरूर यहाँ पर ऑफ करके रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।